गरम है। पुलिस वालों ने बहुत मारा ना? रमेश, तुमसे कुछ शेयर करूं? हाँ। मर्दों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ऐसी सोच थी मेरी, पर तुमको इतने अच्छे से जानने के बाद आई थिंक यू आर अ जेंटलमैन। लीडर केआर के पोती को पहली बार आई है ऐसी कोई फीलिंग। लग रहा है दिल और दिमाग का बैलेंस बिगड़ रहा है, इसीलिए मैंने सोच समझकर कुछ डिसाइड किया। तेरा यहाँ ऐसे रुकना सही नहीं। मैंने बोला ना, सिर्फ माँ की वजह से, वरना मैं ये शहर कब का छोड़ देता। अरे डर गए? मैं तो मस्ती कर रही थी। रमेश कहीं जाना नहीं है। सच कहूँ तो तुम्हें देखे बिना रहा नहीं जाता आजकल। ऐसा लगता है कि तुम हमेशा मेरे साथ ही रहो। Yes. कौन सा सीबीआई? कहाँ का सीबीआई? सीबीआई और रेम्बो ये सब पिक्चरों में ही अच्छा लगता है, समझे? कमिश्नर करता जैसे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स पुलिस फोर्स में बहुत कम हैं, क्या समझे? इस केस में कोई फॉरेन ताकत इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। सर, होम मिनिस्टर यहाँ आए हैं। यहाँ क्यों आए हैं? उन्होंने कुर्सी संभालने से पहले नादेशन के मर्डर को पकड़ने का वादा किया था। अरे ओए, सब बढ़िया चल रहा है ना? सर आप बिना नोटिस के यहाँ आ गए आप। मैं वैसे एक मिनिस्टर हूँ, सुनामी जैसे आएंगे और जाएंगे। पुलिस डिपार्टमेंट में हमेशा स्मार्टिफिकेशन होना चाहिए, इसलिए स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी बोल रहे हैं? यस यस, वही बोलने आया था मैं। सर अंदर बैठेंगे? अरे व्हाई नॉट, मुझे अपने से छोटा या बड़ा ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी बैठ जाएंगे। तू बैठेगा? चलो। आपने बताया होता तो मैं वहीं आ जाता। ओके, बाय द वे, केस इन्वेस्टिगेशन के बीच तुम मार खा के रिहैब वगैरह गए थे, सुना है मैंने? मैं तो उस वक्त हॉस्पिटल में था। यस, वही मैं बोल रहा हूँ। ये हाई कमांड और साथियों के प्रेशर में मुझे मिनिस्टर बनना पड़ा, लेकिन तुम्हारे जैसे पुलिस वालों को मैं कैसे भूल सकता हूँ? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें यहाँ पे बधाई देने आया हूँ। मेरे दोस्त और पूर्व होम मिनिस्टर नादेशन सर के कातिलों को पकड़ने के सिलसिले में आप बहुत आगे तक गए हो, ऐसा डीजीपी ने बताया है मुझे। पता चलते ही हॉस्पिटल के निकल पड़े थे, तो मैंने बताया कि डिस्चार्ज होकर अभी घर पे ही आएंगे। वो हैप्पी न्यूज सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा सर। ये चीज मिनिस्टर खुद ही बताएंगे बोला मुझे। रकेल के साथ पेट्रोल मिक्स किया हुआ ऑटो तुमने बोला था तो मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन मुझे अभी पता चला कि आई अंडरस्टैंड, यू आर वेरी वायलेंट इंटेलिजेंट बोल रहे हैं। अहो क्या? हाँ भाई, तो वो ऑटो रिक्शा मिल गया? मिल गया है सर, आज सुबह, और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। उससे सवाल पूछे? किया है सर, और ऑटो में आया जो उसे पहचान भी लिया है। कौन है वो? सर आपको जिस पे शक था। अभी जितना जल्दी हो सके मुजरिम को अरेस्ट करो। मैं मंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले ये केस सुलझाने के लिए, ये एक टेस्टिफिकेशन है, मेरी तरफ से एक प्रमोशन कमिश्नर करता को। सर करता सर के साथ इन्वेस्टिगेशन में मैं पूरी तरीके से था, तुमको भी मिलेगा प्रमोशन। थैंक यू सर। हमेशा ऐसे सिर्फ सीआई बन के रहोगे? एक एसी ही तो बन जाओ। आहू, बोर्ड निकालो रे, अब गाड़ी निकालो। तुम अगर एएसआई बन जाओगे तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा सर्टिफिकेशन होगा। सर मुझ पे विश्वास कीजिए सर, मैंने आपको सब कुछ सच बताया। ओके, तो नंदिनी तुम्हारा कहना है कि तुम मिनिस्टर के बंगलो पे नहीं गई, ना ही उनसे मिली और ना ही उनके मर्डर से तुम्हारा कोई वास्ता है? नहीं सर। विघ्नेश्वर सर, भार्गव उसे लेके आओ। इसको जानती हो? तो इसको जानता है? हाँ जानता हूँ सर। कैसे? हम भी पेपर टीवी सब देखने वाले लोग हैं। नरेशन सर के खिलाफ केस इन्होंने ही किया था ना? उस दिन तुम्हारे ऑटो में यही वहाँ पे आई थी है ना? जी हाँ सर, मैंने अपनी आंखों से देखा सर, यही थी। अब तुम जाओ। नंदिनी अब तुम क्या कहना चाहती हो? सीधे सीधे सच बताओ वरना इस दुर्गा से पिटवाऊंगा, ये 98 किलो की वजन वाली है। अरे ये सब बातें छोड़ो भी, उनसे गलती से एक झूठ निकल गया, इंसान हमेशा सच बोल सकता है क्या? बताओ नंदिनी, मिनिस्टर के खिलाफ दिए हुए केस में तुम्हारी कॉलेज में मिनिस्टर के खिलाफ वो जो बेइज्जत करने वाला भाषण दिया गया था,
तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो तुम्हारा बेटा मार देगा, ये डर। ऐसे एक मानसिक अवस्था में हर कोई मुजरिम बन सकता है। That is quite natural, है ना नंदिनी? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा। तुम मेरे साथ क्यों गई थी? जिस दिन हादसा हुआ उस दिन सवा सात को सिटी हॉस्पिटल से तुमने मिनिस्टर के सेल पे कॉल किया था। मत करो नंदिनी, झूठ बोलकर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाओगी, इसलिए सोचो मत। तुमने मिनिस्टर को क्यों कॉल किया था बताओ? और कोई रास्ता नहीं था। मैं एक रास्ता बताता हूँ, बोल रहा हूँ थोड़ा इज्जत का सवाल इसलिए करो, लेकिन अभी इस मौके पे मैंने बहुत सोचा पर कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा है। जितनी खबर मुझे मिली है उससे यही पता चला है कि रमेश अभी पुलिस की कस्टडी में है। उन लोगों के कुछ गलत करने से पहले हमें कुछ करना पड़ेगा। तुम सब छोड़कर वो नादेश मिनिस्टर को कॉल करो, और कुछ सोचने का वक्त नहीं है। कुछ भी करके रमेश को बचाना जरूरी है। अभी वो उस आदमी के दम पर ही होगा। तुम कॉल करो तो उसे। मैंने किया कॉल, उसने कहा कि मेरा बेटा उसकी पर्सनल कस्टडी में है, और उसने कहा गेस्ट हाउस आओगे तो उसे बिना मारे छोड़ देंगे। तो इसीलिए तुम वहां पे गई है ना? उसके पहले वहां कभी गई हो? नहीं, लेकिन मुझे जगह पता थी। तुम जिस समय वहां पर पहुंची तो आगे का गेट बंद था ना? तो ऑटो वाले ने तुम्हें पीछे का दरवाजा दिखाया। जी हाँ। जब वहां पहुंची तो तुम्हें पता चला कि वो तुमको पाने के लिए एक ट्रैप बनाया हुआ था। शराब के नशे में वो मिनिस्टर तुम्हें छूना चाहता था। इसी कशमकश में वो फिसल कर गिर गए। तुमने मौके का फायदा उठाकर अपने बैग में से चाकू निकाला और मिनिस्टर को मार दिया तुमने, है ना? नो, नहीं, मैंने नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? मुझे नहीं पता सर। जब मैं वहां पहुंची मिनिस्टर खून में तड़प रहा था। इसका मैं कैसे भरोसा करूं बताओ? भगवान की कसम सर, मैं सच बोल रही हूँ। गेस्ट हाउस नहीं गई पर घर पे रहने वाली नंदिनी अब धीरे धीरे तड़प रहे मिनिस्टर तक पहुंची गई। तुम मना नहीं कर सकोगी ऐसे में सबूत पेश करने वाला हूँ। इससे अच्छा कि तुम खुद ही बता दो कि आखिर सच क्या है। अभी के लिए जाओ। ये तो बड़ी झूठी निकली सर। सर आप एक परमिशन दो, मारा तो इसी ने है। और मर्डर वेपन कहाँ छुपा है ये सब अभी के अभी उगलवाता हूँ, देखना सर सब सच बता देगी। इनको अरेस्ट करो सर। सिर्फ एक जन को अरेस्ट करूंगा तो ये इस केस का रास्ता भटक सकता है, समझे? क्या मतलब सर? अरे सर, इनको अरेस्ट करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाइन करेंगे ऐसा सोचा था। बगल में पड़े मुजरिम के ढिंडोरे से ज्यादा शहर में चल रहे मेले की पड़ी है हमारे कमिश्नर को। वो लड़कियां कैसे बोले तो सेंटीमेंट जागता है। हाँ। सर आप 100 साल जिएंगे? 100 साल की क्या जरूरत है मिस्टर एलेक्स, 100 साल गधा बन के रहने से अच्छा है 6 साल शेर बन के रहूं मैं, समझे एलेक्स? सर अभी आप आएंगे ऐसे बोल के आईजी ने जस्ट पानी पिया। वो कितना पानी पीते हैं जरा मैं भी तो देखूं।